हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर हाजिर हूं आपके अपने चैनल अरुण गाजियाबादी टेक ब्लॉग पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आपके लिए बिजनेस रिलेटेड, टेक से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूं। तो उसी सिलसिले में आज मैं अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे मैं आपके व्हीकल से रिलेटेड आपसे कुछ बात करूँगा तथा आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाऊँगा। तो दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है, बेसिकली जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में 95% लोग के पास टू व्हीलर्स है, और टू व्हीलर्स का हम सब लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे स्कूटी हो। और दोस्तों, उसकी आप हर महीने सर्विस भी कराते हैं, आप भी कराते हैं, मैं भी कराता हूँ। तो अब अक्सर होता क्या है कि सर्विस में मिस्त्री हम लोग का पागल बना देते हैं और प्रॉपर सर्विस जो होती है उस तरह की सर्विस नहीं करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जब आप अपनी बाइक की या स्कूटी की सर्विस कराते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं तथा सर्विस कराते टाइम आपको क्या क्या काम कराना होता है, जो कि अक्सर मिस्त्री नहीं करता है, बट आपको ये सब चीज़ें करानी होती हैं क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं सर्विस कराने का, और ये सब चीज़ें सर्विस का पार्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि बाइक की सर्विस किस तरीके से होती है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमारी बाइक स्मूथ चल सके और उसमें किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। एक सही तरीके से सर्विस कराने से आपकी बाइक की या स्कूटी की लाइफ भी बढ़ती है और आपके जो माइलेज होता है, माइलेज पर भी फ़र्क पड़ता है, आपके पार्ट्स पर भी फ़र्क पड़ता है। तो एक तरीके से अगर सही सर्विस हो तो आपकी व्हीकल की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रॉपर सर्विस किस तरीके से होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बाइक है, बाइक की सर्विस किस तरीके से हो रही है। अक्सर कई दफ़ा क्या होता है, बाइक चलते चलते स्लिप टाइप होती है, स्लिप जैसे बोलते हैं उसको, ब्रेक लगाने में या इस तरीके से। तो जनरली होता क्या है कि जो आपका पिछला जो ड्रम होता है बाइक का, जहाँ पे आपके ब्रेक शू होते हैं, अक्सर वहाँ पे पानी चला जाता है, जिस वजह से जो है वो बार बार स्लिप करते हैं। तो जब भी आप सर्विस कराएं तो बाइक का जो पिछले ड्रम है, जहाँ पर आपके पिछले ब्रेक शू होते हैं, उसको प्रॉपर हमेशा खोल कर साफ़ कराएँ। ये बाइक में बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अक्सर मिस्त्री साफ़ नहीं करते हैं। वो जनरली क्या करते हैं कि अपना तेल चेंज किया, थोड़ा सफाई किया, ऊपर से वो बेस्ट सर्विस हो गई। तो बट दोस्तों, आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी इस बाइक में देखिए आप, इस तरीके से ये बाइक में प्रॉपर ड्रम जो है वो ड्रम निकाल के, अभी इसका ड्रम पूरा साफ़ होगा। किस तरीके से साफ़ होगा अभी आप आगे देखेंगे इसमें। ये देखिए, ये फ़िल्टर होता है, इसका भी मैं अभी आपको प्रयोग आगे बताऊंगा कि कहाँ पे किस तरीके से प्रयोग करना है इसको। ये देखिए, ये इसका ड्रम खुल चुका है पीछे का ब्रेक शू। अभी ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही है यहाँ से, इसे पानी की वजह से या इस तरीके की वजह से ये जंग खा जाता है, जिससे कि आपकी बाइक बार बार स्लिप करती है, इससे बाइक का माइलेज भी घट जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप सर्विस करा रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, इसको हमेशा प्रॉपर खुलवा के अच्छे से साफ़ कराएं। ये देखिए प्रॉपर ये रेक बाल से इसको साफ़ कर रहा है मिस्त्री। ये देखिए, ये इसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर पूरा इस पर जो भी जंग लगी हुई है वो सब चीज़ें साफ़ करेंगे। ये देखिए, ये दोस्तों बाइक का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। जब भी आप बाइक यूज़ चलाते हैं तो ये एक बाइक का बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। ये लगने की अगर यहाँ पे कोई पानी इस तरह की दिक्कत नहीं होगी तो आपकी बाइक प्रॉपर अच्छे चलेगी, बाइक की स्पीड भी अच्छी होगी और आपकी बाइक स्लिप भी नहीं करेगी। ये देखिए किस तरीके से इसको जो है ये ड्रम साफ़ किया है। ये देखिए, ये पूरा इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद में इसको ये लगाएंगे भैया। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये सामने यहाँ पे फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। ये भी जब भी आपकी बाइक की सर्विस कराते तो फ़िल्टर को ज़रूर साफ़ कराइए, और अगर फ़िल्टर आपका गंदा है
तो उस फिल्टर को तुरंत चेंज करा दीजिए। जैसे हमारी बॉडी में एक फेफड़ा होता है, उस तरीके से आपके बाहिक के अंदर जो फिल्टर है एक तरीके से फेफड़े का काम करता है। ये देखिए दोस्तों, ये काम होने के बाद में अब ये जो चैन है, आपको इस चैन का जो कवर है इसको खुलवा कर इसको प्रॉपर साफ़ कराइए। अक्सर क्या होता है कि मिस्त्री इसको खोलकर साफ़ नहीं करते, और इसको जनरली सिर्फ ऐसे ही अपना तेल लगाया और उसको काम ख़त्म कर दिया अपना। तो इससे ना करा के आप चैन कवर को खुलवाइए, एटलीस्ट ऊपर का पार्ट भी अगर नहीं खोलता है मिस्त्री तो नीचे का पार्ट जो होता है चैन कवर का वो ज़रूर खुलवाइए। ये देखिए बाइक में किस तरीके से कर रहे हैं, ये देखिए। ये दोस्तों होता है ऑयलिंग का पार्ट, ये देखिए। जब भी आप ऑयल चेंज कराते हैं तो प्रॉपर अच्छी कंपनी का ऑयल लगाइए, और ऑयल को प्रॉपर सील, प्रॉपर ऑयल की चेक कर लीजिए डब्बे की, कोई सील कोई पहले से खुली तो नहीं है। देखिए भैया ने सील सामने खोली है इसके डब्बे की, अब ये ऑयल सामने से डालेंगे, ये देखिए। ये देखिए किस तरीके से ऑयल डलता है, प्रॉपर आप डब्बे को चेक कर लीजिए कि आपका ऑयल नया है या कोई, ऐसा तो नहीं कि कोई पुराना ऑयल डाल रहे हैं। तो ये देखिए प्रॉपर पूरा डब्बा इन्होंने डाल दिया है ऑयल का। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरा प्रॉपर ऑयलिंग को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एक दोस्तों सबसे मेजर पार्ट आता है प्लग का, ये देखिए आप, प्लग व्हीकल का बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। प्लग को प्रॉपर निकलवा कर साफ़ कराइए, अगर प्रॉपर प्लग ठीक है या कहीं अगर ज़रा सा भी शॉर्ट लगता है तो प्लग को चेंज करा दीजिए। इस बाइक का प्लग सही था तो ये मिस्त्री साहब इस प्लग को प्रॉपर साफ़ करके इसी प्लग को यूज़ करेंगे। ये देखिए ये फ़िल्टर जो मैं आपसे बता रहा था अभी, जब करते ये फ़िल्टर, क्योंकि इस बाइक का फ़िल्टर ऑलरेडी ख़राब हो चुका था तो ये नया फ़िल्टर इसमें लगा रहे हैं। ये देखिए फ़िल्टर से क्या होता है कि आपकी बाइक की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, इससे आपकी बाइक जो झटके मार के चलती है उससे के झटके नहीं लगेंगे, क्योंकि इसको प्रॉपर एयरिंग मिलती रहेगी तो कोई झटके वगैरह नहीं लगेंगे। और उसको लगाने से पहले इसका जो कवर है उसको प्रॉपर साफ़ कराइए इस तरीके से। देखिए ये इसका जो कवर है यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है, ये देखिए इस तरीके से इसका जो कवर है इसे प्रॉपर इसको ये देखिए। ये इसका कवर प्रॉपर लगा दिया है फिल्टर का। ये फिल्टर दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, तो इस फिल्टर को अगर ज़रा सा भी लगता है कि ये फिल्टर आपका पुराना ख़राब हो गया है तो इस फिल्टर को तुरंत चेंज करा दीजिए। जनरली 2 या 3 सर्विस के बाद में फ़िल्टर चेंज कराना ज़रूरी होता है। ये देखिए ये फ़िल्टर चेंज कर दिया है, ये देखिए। हाँ दोस्तों, अभी मैं जो आपको दिखा रहा था, एक अगर जब आपका ऑयल निकलता है तो ऑयल का बर्तन आप देख लीजिए कि पहले बर्तन बिल्कुल खाली होना चाहिए,
क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी होता है कि आपकी बाइक से जो ऑयल निकल रहा है वो ऑयल प्रॉपर कितना ऑयल निकल रहा है ये देखिए, क्योंकि अगर बाइक में कुछ प्रॉब्लम है तो पूरा ऑयल प्रॉपर नहीं आएगा। ये देखिए इस बाइक से पूरा प्रॉपर ऑयल निकल रहा है और ऑयल की क्वालिटी भी अभी बहुत साफ़ है, तो इसका मतलब अभी इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं लग रही है। देखिए क्योंकि ऑयल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ऑयल ऑटोमेटिकली काफ़ी ब्लैक हो जाता है ये देखिए, बट इस ऑयल में अभी ज़्यादा ब्लैक नहीं है, तो इसका मतलब अभी जो इसकी इंजन क्वालिटी है उसमें किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है और इंजन क्वालिटी प्रॉपर वर्किंग कर रही है। दूसरा, ये जो ऑयल निकला है ये ऑयल प्रॉपर जितनी क्वांटिटी में निकलना चाहिए उतना निकल रहा है, अगर ऑयल कम निकलता है तो इसका मतलब इंजन में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए ये प्रॉपर ऑयल निकालने के बाद में उसकी सील प्रॉपर लगा देनी चाहिए, उसका जो भी बोल्ट है। अब ये देखिए जो चैन कवर होता है, चैन कवर को भी साफ़ कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है और ये उसकी जो हमारी चैन है, चैन कवर उसकी लाइफ को ख़त्म कर देता है, तो इसको निकाल कर प्रॉपर साफ़ कराना बहुत ज़रूरी होता है। जनरली मिस्त्री अपना टाइम बचाने के लिए इसको प्रॉपरली साफ़ नहीं करते। ये देखिए ये इन्होंने भैया ने कवर निकाल लिया है, हाफ़ कवर। अब इस कवर को ये प्रॉपर साफ़ करेंगे अच्छे से। ये देखिए ये देखिए इस कवर को ये प्रॉपर साफ़ करके लगाएंगे अच्छे से। और ये साइड में जो फ़िल्टर पड़ा हुआ देख रहे हैं, ये फ़िल्टर जो चेंज हुआ फ़िल्टर है वाला फ़िल्टर है, ये देखिए फ़िल्टर बिल्कुल गंदा हो चुका था। ये अभी देखिए इन्होंने भैया ने बिल्कुल चैन कवर को एकदम साफ़ कर दिया है, अभी ये चैन कवर इन्होंने प्रॉपर लगा दिया है। ये देखिए इस बाइक में असल में दो प्लग होते हैं, तो अभी पहला प्लग मैंने आपको दिखाया था, ये दूसरा प्लग है। ये प्लग भी इस बाइक का ठीक है, तो प्रॉपर ये इसकी जो भी इसमें जंग वगैरह है उसको प्रॉपर साफ़ करके अभी इस प्लग को यूज़ करेंगे और उस प्लग को लगाएंगे। ये देखिए ये देखिए प्लग साफ़ करने का प्रॉपर तरीका होता है। इसको बाई चांस सर्विस भी आप नहीं करा रहे हैं पर आपको कोई दिक्कत आती है, उस प्लग को इस तरीके से आप अपने घर पर भी साफ़ करके लगा सकते हैं अपनी बाइक के अंदर। ये देखिए उन्होंने भैया ने इस प्लग को लगा दिया है इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों एक बहुत मेजर पार्ट होता है आपकी बाइक की क्लीनिंग। जनरली क्या होता है कि मिस्त्री कपड़ा मार के या इस तरीके से साफ़ कर देते हैं, बट ये प्रॉपर वे नहीं होता क्लीनिंग कराने का। अभी ये एयर प्रेशर होता है जिससे मैं अभी ये बाइक को ये देखिए पूरा क्लीन कराऊंगा मैं हर जगह से ये एयर प्रेशर के थ्रू। ये देखिए जहाँ जहाँ जो जो भी इसके अंदर मिट्टी घुसी हुई है वो इस एयर प्रेशर से सब मिट्टी निकल जाएगी। ये देखिए ये दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, पर जनरली क्या होता है कि मिस्त्रियों के पास ये सब इंस्ट्रूमेंट कम होते हैं या जहाँ होते भी वो यूज़ नहीं करना चाहते इसको। ये देखिए ये भैया इसको प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए इसकी कितनी गंदगी निकल रही है बाइक के अंदर। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो आपकी बाइक की लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, बट हर एक मिस्त्री इस सर्विस में सब चीज़ों को नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा ऑयल चेंज किया, थोड़ा बहुत ऑयलिंग किया, बस हो गया, पैसे तो पूरे मिल ही जाने हैं, तो इसलिए जनरली मिस्त्री इन सब चीज़ों को नहीं देखता है। ये देखिए इन्होंने एयर प्रेशर से किस तरीके से बाइक को पूरा क्लीन कर दिया है।
तो दोस्तों इस तरीके से इन चीज़ों का आप लोगों को भी बहुत ध्यान देना है जब आप अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी बाइक की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है, आपके पार्ट्स की लाइफ बढ़ जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल इन्होंने एकदम क्लीन कर दिया है, आपको कहीं पर भी कोई मिट्टी इस तरीके का नहीं दिखाई दे रहा होगा। जनरली अभी थोड़ी देर पहले ये बिल्कुल इसके अंदर प्रॉपर मिट्टी मिट्टी घुसी हुई थी सर। अब ये देखिए पूरी मिट्टी इन्होंने प्रॉपर साफ़ कर दी है, अभी बिल्कुल क्लीन कर दिया है इन्होंने। ये देखिए दोस्तों, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे सीट कवर से पहले इसकी प्रॉपर ये सील साइड में होती है, वो सील चेक कर रहे हैं कि इस वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किस तरीके की, कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सील प्रॉपर चेक नहीं करेंगे तो सीट कवर आपका बबलिंग करता रहेगा, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन भी प्रॉपर नहीं बन पाएगा। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने अभी ये कवर लगा दिया है। बाकी दोस्तों अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो बैटरी भी आप चेक करा सकते हैं, क्योंकि बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, सो इसलिए अभी बैटरी को इन्होंने नहीं छेड़ा है, क्योंकि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है बैटरी में तो बैटरी भी आपको चेक करानी बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद जो भी कवर्स वगैरह हैं वो प्रॉपर लगाने चाहिए। ये देखिए अभी ये प्रॉपर इन्होंने हर जगह से इसकी ग्रीसिंग ऑयलिंग कर दी है। ब्रेक्स के अंदर आपको साइड में जहाँ जहाँ भी ऑयलिंग की ज़रूरत है वो कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए ये प्रॉपर ऑयलिंग जहाँ पे आपकी चाबी होती है वहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है ताकि आपकी बाइक की लाइफ बढ़ जाए। ये देखिए ये प्रॉपर इन्होंने सब कुछ अच्छे से कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये बाइक की सर्विस होकर ये प्रॉपर रेडी हो चुकी है बाइक सर्विस होकर, वो आप चाहे तो इसकी धुलाई भी करा सकते हैं। ये देखिए तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी बाइक की सर्विस करा सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर कीजिए।